काम आया पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, खालिस्तान समर्थकों को सिडनी में झटका, रद्द किया गया आयोजन, ये रही वजह। विवादित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मंसूबों पर सिडनी मैसोनिक सेंटर यानी के एसएमसी ने पानी फेर दिया है। सिडनी में प्रस्तावित संगठन के जन्म संग्रह के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि ये कार्यक्रम सिडनी मैसोनिक सेंटर में आयोजित किया जाना था। बता दें ये कार्यक्रम 4 जून को आयोजित होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से सिख फॉर जस्टिस के कार्यक्रम होने की बात सामने आई थी, तब से ही लगातार शिकायतें और धमकियां मिल रही थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर कार्यक्रम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। एक प्रवक्ता ने कहा कि हम बुकिंग के समय इस खालिस्तान घटना की प्रकृति को नहीं समझ पाए। बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि सिडनी मैसोनिक सेंटर किसी भी घटना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है जो संभावित रूप से समुदाय को नुकसान पहुंचा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्मेंद्र यादव ने सिख फॉर जस्टिस के प्रचार कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए पोस्टर व बैनर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों की प्रशंसा किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि पिछले 5 दिनों से हर सुबह हिंदू विरोधी नारे वाले बैनर देखने को मिल रहे थे। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगी जो दोनों देशों के बीच मजबूत और गहरे संबंधों को बाधित करना चाहते हैं। खालिस्तान संकट के संदर्भ में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि इस तरह के तत्वों पर नकेल कसने के लिए दोनों सरकारों को जो भी करना होगा हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।